गरीब का वुडन हाउस। एक गांव में प्रेम नाम का कारपेंटर रहता था। वो लकड़ी का काम, खासकर कुर्सियां, दरवाजे वगैरह बहुत बढ़िया बनाता था, लेकिन वो बहुत भोला था। उसका इकलौता बेटा था समीर, वो बहुत होशियार था। समीर उस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो स्कूल से घर लौटने के बाद लकड़ी के सुंदर सुंदर खिलौने बनाता था। वो खिलौने बहुत ही सुंदर थे। उन खिलौनों को देखकर प्रेम समीर से, बेटा तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ये खिलौने बनाना तुमने किससे सीखा बेटा? पता नहीं पिताजी, दिल कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊं, तो मैंने बना दिया। अपने बेटे की इस कुशलता को देखकर प्रेम बहुत खुश हुआ। शहर के एक व्यापारी रतनलाल प्रेम के फर्नीचर खरीदता था। उसने एक बार प्रेम को ऑर्डर देते हुए, अरे देखो भाया, इस बार माल ठीक टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। अब तक जैसे तुम देते आए हो, अब यूं नहीं चलेगा। ये बड़े बड़े लोगों का ऑर्डर है। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन अब लकड़ी का दाम बढ़ गया है, पेंट और वार्निश के दाम भी बढ़ गए हैं। आप हम पर जरा दया कीजिए। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा, पर अब तुम काम शुरू करो, कहकर चला गया। रतनलाल प्रेम के इस भोलेपन का खूब फायदा उठाता था। वो प्रेम को कम पैसे देकर उसके फर्नीचर शहर में खूब दाम में बेचता था और खूब पैसे कमाता था। एक दिन प्रेम की पत्नी शांति कपड़े धोने के लिए जा रही थी कि उसका पैर साबुन पर पड़ा और वो फिसल कर नीचे गिरी। यूं उसके कमर की हड्डी टूट गई। प्रेम उसे अस्पताल ले गया। इनका ऑपरेशन करना होगा, बहुत पैसे खर्च होंगे। ये सुनकर प्रेम परेशान हो गया। तब प्रेम और समीर रतनलाल के दुकान पर गए। सेठ जी, मेरी पत्नी अस्पताल में पड़ी हुई है, उसका अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा, मुझे तुरंत पैसे चाहिए। अरे यूं अचानक पैसे मांगोगे तो मैं लाऊंगा कहां से? जब पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। बापू, ये हमेशा ऐसे ही कुछ कहकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं। हम अपने फर्नीचर किसी और को बेचते हैं। अरे मैं देख लूंगा, तुम मुझे छोड़कर किसी और को कैसे बेचते हो। तब प्रेम और समीर चुपचाप अपने घर लौट गए। प्रेम ने साहूकार से उधार लिया और अपने पत्नी का इलाज कराया। प्रेम अपने मन में, मुझे सिर्फ लकड़ी का काम और फर्नीचर बनाना आता है और कुछ मैं जानता ही नहीं, और रतनलाल बहुत बड़ा ठग है, ना ही वो मुझसे खरीदेगा ना किसी और को खरीदने देगा, अब मैं क्या करूं, कहकर दुखी हो रहा था। अपने पिताजी को चिंतित देखकर समीर, बापू तुम चिंता ना करो, तुम कह रहे थे ना कि मेरे खिलौने बहुत सुंदर है, उन्हें बेचकर पैसे कमाते हैं। कुर्सियों से ज्यादा खिलौने बेचकर पैसे बना सकते हैं, आजकल इन खिलौनों की खूब डिमांड है। एक दिन वसंत नाम का व्यक्ति प्रेम के पास लकड़ी के कुछ सामान खरीदने आया और उसने ऑर्डर दिया, और समीर के बनाए लकड़ी के खिलौनों को देखकर, अरे कमाल हो गया, इतनी खूबसूरत खिलौने, ये तो बहुत बढ़िया है। ये लड़का है कौन? ये मेरा बेटा है भाई, इसके खिलौने तो बहुत सुंदर है, ये वुड कार्विंग बहुत बढ़िया बनाता है, मजा आ गया। कहकर समीर के खिलौनों का उसने अपने मोबाइल पर वीडियो निकाला और यूट्यूब में अपलोड किया। वो वीडियो वायरल हो गया और समीर के खिलौनों का डिमांड बढ़ने लगा। समीर मिनी वुडन ऑटो, मिनी वुडन कार, मिनी वुडन जेसीबी, मिनी वुडन जूते, मिनी वुडन स्कूटर के साथ साथ मिनी वुडन हाउस भी बनाने लगा। प्रेम और समीर एक छोटी सी दुकान पर अपने इन खिलौनों को बेचने लगे। लोग आकर उन लकड़ी के खिलौनों को देखकर, भाई वाह, खिलौने तो बड़े प्यार से बनाए हैं और इनका दाम भी बहुत कम है, बहुत बढ़िया खिलौने हैं, यूं तारीफ करने लगे। एक औरत ने उस मिनी वुडन हाउस को देखा, भाई ये खिलौना तो बहुत बढ़िया है, इस खिलौने को देखकर दिल करता है कि काश ऐसा ही घर अपना हो, इनमें चिड़ियों को पाल सकते हैं। यूं बहुत सारे लोग आकर मिनी वुडन हाउस खिलौना खरीदने लगे।
भाई ये मिनी वुडन हाउस बहुत बढ़िया है, विदेशों में इसका बहुत डिमांड है। वो वुडन पेट हाउस अपने पालतू जानवरों के लिए रखते हैं, मैं इसका निर्यात करूंगा, कहकर उसने ऑर्डर दिया। यूं समीर के लकड़ी के खिलौनों की खूब बिक्री हुई और वो धनवान बन गए। प्रेम के परिवार ने घर बनाया, गाड़ी खरीदा और खुशी खुशी रहने लगे। गरीब का बाइसिकल वुडन हेलीकॉप्टर। चंदापुर नाम के गांव में रामदास नाम का व्यक्ति साइकिल भाड़े पर देने की दुकान चलाते हुए अपने परिवार को पालता था। रामदास बहुत अच्छा आदमी था। उसके दुकान के बगल में ही एक टिम्बर डिपो हुआ करता था। उसके मालिक का नाम था प्रेमनाथ, रामदास की पत्नी का नाम था जानकी। वे दोनों बहुत खुश रहते थे, लेकिन उनके बच्चे नहीं होने के बाद से वे परेशान भी थे। एक दिन जानकी अपने पति से, हमारी शादी होकर कितने साल हो गए जी, लेकिन हमारे बच्चे नहीं है, इससे बहुत दुख हो रहा है। कुछ दिनों में तो मुझे लोग बांझ बुलाने लगेंगे, सोचकर भी डर लग रहा है। उनके घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। रोज सुबह रामदास अपने साइकिल पर दुकान जाने के पहले उस पेड़ को नमस्कार करके जाता था। उसी राष्ट्र में एक पहाड़ी इलाके में एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन वहां जाने का रास्ता बहुत खतरनाक था। वहां पहुंचने के लिए लोगों को जंगल, पहाड़ और खाई से गुजरकर जाना पड़ता था, लेकिन किसी भी तरह जिंदगी में एक बार उस मंदिर का दर्शन करना है, उससे मोक्ष मिलता है और लोगों की इच्छा पूरी होती है, ऐसे लोगों का मानना था। पैसे वाले लोग हेलीकॉप्टर में जाकर उस मंदिर में दर्शन करते थे। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग गधे और घोड़े पर जाते थे, लेकिन तब बहुत सारे लोग उस खाई में गिरकर मर जाते थे। एक दिन रामदास की माँ रामदास जानकी से, तुम दोनों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, पता नहीं किस जन्म के पाप का नतीजा है ये। सब जैसे कहते हैं उस पवित्र मंदिर के दर्शन करके आओगे तो शायद ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हमारे वंश को आगे बढ़ाओ, कहते हुए दुखी हुई। और कम से कम 60,000 लगेंगे, वो भगवान के दर्शन पता नहीं कब होंगे, कहते हुए दुखी हुआ। अगले दिन सुबह प्रेमनाथ, आहा कहां तक पहुंची भाई आपके ये यात्रा की तैयारी। आपको तो पता है ना जी, जो पैसे मिलते हैं उसमें घर चलाना ही मुश्किल से हो रहा है, पवित्र मंदिर के दर्शन कहां से होंगे, दर्शन का भाग्य पता नहीं कब होंगे। यूं दुखी होकर कहा, कितनी बार बोला मैंने कि तुम्हारे घर में जो पेड़ है वो मुझे बेच दो, तुम सुनते ही नहीं हो। रास्ता दिख रहा है, उस पर जल्दी जल्दी चलना चाहिए ना। फिर कह रहा हूँ, उस पेड़ को मुझे दे दो, तुम्हारे सफर के लिए जो भी खर्च होगा मैं दे दूंगा, सोच लो, कहकर वहाँ से चले गया। रात को रामदास आंगन में बिस्तर पर सोते हुए उसी पेड़ की तरफ देखकर सोचने लगा। उसके ख्याल में आया कि उस पेड़ को काट दिया जा रहा है और मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे उससे चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जानकी आकर, क्यों जी बाहर क्यों सो रहे हो, तो अचानक उठकर बैठा। रामदास की आंखों को देखकर जानकी, क्या हुआ जी, ऐसे क्यों हो। रामदास ने जो हुआ वो बताया। हमारे बच्चे पैदा हों, वंश आगे बढ़े, उसके लिए बहुत दिनों से अच्छे से जी रहे, इस हरे भरे पेड़ को काटना कितना सही है, तुम ही बताओ, कहते हुए दुखी होने लगा। नहीं जी, पेड़ को मत बेचिए, इतने पवित्र पेड़ को काटकर पुण्य के काम के लिए जाना पुण्य नहीं है, महापाप है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होगा, वो मेरा मानना है। आप लेकिन बिना ज्यादा फिक्र किए आराम से सो जाइए, रात हो गई है ना। अगले दिन सुबह रोज की तरह रामदास अपने साइकिल पर दुकान के लिए निकल रहा था। पेड़ के पास रुककर उसको नमस्कार किया और, मुझे माफ करो, कुछ क्षण के लिए ही सही, आपको बेचने की सोचने का पाप कर बैठा, कहते ही उस पेड़ से एक रोशनी की किरण आई और वन देवता प्रत्यक्ष हुई। रामदास को आशीर्वाद देते हुए, तुमने कोई गलती नहीं की रामदास, तुम जैसे महान लोगों को तो कोई मंदिर
या पुण्य चीज करने की भी जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जाते हो, जहाँ होते हो, वही पवित्र जगह होती है। तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी ये मत सोचना, कहकर वहाँ मौजूद साइकिल को ही बाइसिकल वुडन हेलीकॉप्टर में बदल दिया। वन देवता को देखकर जानकी भागते हुए आकर उनके आगे नमस्कार की। देवता उन दोनों को आशीर्वाद देकर इसकी मदद से माँ की ख्वाहिश पूरी करो कहकर गायब हो गई। वो बाइसिकल वुडन हेलीकॉप्टर में रामदास के परिवार वाले यात्रा करके उस पवित्र मंदिर के दर्शन किए। तब से रामदास बाइसिकल हेलीकॉप्टर की मदद से जरूरी लोगों की मदद भी करने लगा। जिसको भी अति आवश्यक दवा की जरूरत होती तो उन्हें शहर के अस्पताल में पहुंचाता था। कुछ समय में उसे बहुत प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। पहाड़ी मंदिर के दर्शन की इच्छा रखने वाले गरीब लोगों को मुफ्त में उसके हेलीकॉप्टर में लेकर जाता था।